हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम के बायो में ऐसे सारे सोशल मीडिया के लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं। ऐसे सारे सोशल मीडिया के लिंक ऐड करने से फायदा यह होगा कि अगर कोई आपके इंस्टाग्राम की आईडी सर्च करता है तो उसे साथ में आपकी बाकी सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, फिर वो उन्हें भी फॉलो कर लेगा। ये जरूरी नहीं कि ऐसे सोशल मीडिया के लिंक सिर्फ इंस्टाग्राम में ही ऐड हो सकते हैं, ये आपके फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम कहीं भी लगा सकते हैं। तो गाइज ये मेरा दोस्त का इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो मैं इसमें ये सारे लिंक ऐड करके दिखाता हूँ। तो गाइज जिसका यूट्यूब चैनल भी है जिसमें ये मोशन ग्राफिक्स के बारे में बताता है, तो आप एक बार इसके चैनल में विजिट जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारे सोशल मीडिया के लिंक ऐड करने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी, तो ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर ओपन कर लें, फिर सर्च करें इंस्टा बायो, फिर इस ऐप को इंस्टॉल कर लें, फिर ऐप को ओपन करें, फिर इस क्रिएट माई फ्री लिंक में क्लिक कर दें। उसके बाद इस ऐप में आपको साइन अप करना है, तो आप चाहे तो फेसबुक से साइन अप कर लें या गूगल से, नहीं तो यहाँ अपनी जीमेल फिल करके और पासवर्ड क्रिएट करके साइन अप कर लें। तो मैं साइन अप कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, तो आप इस क्रिएट योर लिंक में क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आपको बहुत से टेम्पलेट देखने को मिलेंगे, तो ये टेम्पलेट कुछ फ्री हैं और कुछ पेड हैं। तो यहाँ पर आपको कलर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें क्लिक करोगे तो आपको कुछ फ्री कलर वाले टेम्पलेट मिलेंगे, तो आपको जो भी फ्री वाला टेम्पलेट पसंद हो उसमें क्लिक कर दें, फिर ऊपर क्रिएट में क्लिक कर दें, फिर इस कस्टमाइज में क्लिक कर दें। उसके बाद आप इन सबको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो मैं इन सबको चेंज करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप इसमें क्लिक कर दें, फिर आप यहां पर अपना लोगो या प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। तो लोगो ऐड करने के लिए इस फोटो में या इस चेंज के ऑप्शन में क्लिक कर दें, फिर परमिशन अलाउ कर दें, फिर गैलरी ओपन हो जाएगी, तो आप जो भी फोटो लगाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें, फिर नीचे कंप्लीट के ऑप्शन में क्लिक कर दें, फिर अपने हिसाब से फोटो को मैनेज करके इस राइट के आइकन में क्लिक कर दें। तो ये वेरीफाई के बैच तो प्रो वर्जन में ही लगेंगे, तो इन्हें छोड़ो, और नीचे टाइटल में आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख लें, फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप जो अपने बारे में बताना चाहते हैं उसे ऐड कर लें। तो मैं कर लेता हूं, फिर सब कुछ टाइप करने के बाद इस सेव में क्लिक कर देना है, फिर इस नीचे सोशल मीडिया के आइकन में क्लिक कर दें, फिर आप इन्हें सॉर्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप इनमें से और कोई सोशल मीडिया आइकन ऐड करना चाहते हैं तो इस प्लस के आइकन में क्लिक कर दें, फिर लिंक में क्लिक कर दें, फिर इस थंबनेल में क्लिक कर दें, फिर आइकन लाइब्रेरी में क्लिक कर दें, फिर यहाँ सारे सोशल मीडिया के आइकन आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो जो आप आइकन ऐड करना चाहते हैं उसमें क्लिक कर दें, फिर यहाँ पर उसका लिंक डालना है जिसका आपने यहाँ पर आइकन सिलेक्ट किया है। जैसे मैंने यूट्यूब का आइकन सिलेक्ट किया था, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब का लिंक ऐड कर देता हूँ। फिर सेव में क्लिक कर देना है। अगर आप किसी आइकन को डिलीट करना चाहते हैं तो उस आइकन में क्लिक करें, फिर नीचे डिलीट बटन मिलेगा, तो उसमें क्लिक कर दें, फिर वो डिलीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो सोशल मीडिया के आइकन दिख रहे हैं उनमें क्लिक करना है, फिर नीचे अपने अकाउंट का लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। जैसे यहाँ पर फेसबुक का आइकन है, तो यहाँ पर आपको अपने फेसबुक अकाउंट का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो लिंक कॉपी करने के लिए फेसबुक ऐप ओपन कर लें, फिर अपने प्रोफाइल में क्लिक करना है, फिर इस थ्री लाइन में क्लिक करना है, फिर नीचे लिंक मिलेगा उसे कॉपी कर लेना है, फिर यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर देना है। तो गाइज अगर आप व्हाट्सएप को भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप के लिंक में ये जो पहले से लिखा है, तो आपको उसके आगे अपना नंबर ऐड करना है कंट्री कोड के साथ। तो आपको यहाँ पर प्लस 91 के बाद अपना नंबर टाइप कर देना है, या फिर आप अपने ग्रुप का लिंक भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही इन सारे आइकन में अपना अकाउंट का लिंक कॉपी करके पेस्ट करना है, फिर बैक आ जाना है, फिर आप नीचे सोशल आइकन में क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर भी कुछ आइकन ऐड कर सकते हैं, फिर ये सब करके इसे पब्लिश कर देना है। फिर यहाँ पर एक लिंक शो कर रहा होगा, तो इसको कॉपी कर लेना है, फिर इस लिंक को जहाँ भी पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पेस्ट कर सकते हो। तो मैं इस लिंक को इंस्टाग्राम में पेस्ट करूँगा, तो मैं इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ, फिर अपने प्रोफाइल में क्लिक करना है, फिर एडिट प्रोफाइल में क्लिक करना है, फिर इस वेबसाइट के ऑप्शन में इस लिंक को पेस्ट कर देना है, फिर ऊपर राइट के आइकन में क्लिक करके इसे सेव कर देना है। फिर इस लिंक में जो भी क्लिक करेगा तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, फिर जो इन ऑप्शन में क्लिक करेगा तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा।
तो ये देखिए ये सारे लिंक अच्छी तरह वर्क कर रहे हैं। अगर कोई व्हाट्सएप के ऑप्शन में क्लिक करता है तो उसका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और वो आपको मैसेज कर सकता है। तो मैं आपको ऐप ओपन करके कुछ और बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर एक बायो लिंक क्रिएट हो गया है। अगर कोई उन लिंक पर क्लिक करता है तो यहाँ पर वो शो करेगा कि कितनी बार लोगों ने उस लिंक पर क्लिक किया है। आप इसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। गाइज जैसे यहाँ पर अभी एक प्रोफाइल क्रिएट हो गया है तो आप इस ऐप में केवल दो ही प्रोफाइल फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा ही तीसरी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो आपको इस ऐप का पेड वर्जन परचेज करना पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम में लिंक पेस्ट करने के बाद अगर आप इस ऐप को डिलीट भी करते हो तब भी इंस्टाग्राम में वो सारे सोशल मीडिया के लिंक अच्छी तरह वर्क करते रहेंगे। तो गाइज आप ऐसे ही सोशल मीडिया के लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।